अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम ये देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम पांडास को यूज़ करते हुए किसी डाटा को लोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक सैम्पल डाटा सेट की फ़ाइल यूज़ करूँगा और ये फ़ाइल जो है ये गिटहब रिपोजिटरी पे अवेलेबल है। इसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम जो है वो पांडास को इम्पोर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि अपने डाटा सेट को रीड कर लेते हैं, pd.read.csv। ठीक है, इसमें डिफरेंट फॉर्मेट्स का डाटा आप रीड कर सकते हैं। उसमें रीड csv है, रीड excel है और इस तरह से काफ़ी डिफरेंट तरह की फाइल्स हैं जो कि आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, रीड csv क्या करता है कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ की फाइल्स जो होती हैं उनको रीड करता है। ठीक है, तो csv फाइल्स का आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। बेसिकली कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ होती हैं जस्ट, और उसमें हमारे पास जो पहली जो रो होती है उसमें कॉलम्स के नाम होते हैं और उसके बाद जो अगली रोज़ होती हैं उनमें डाटा होता है। ठीक है, तो मेरे पास अभी जो डाटा अवेलेबल है वो एम्प्टी कार्स का है। ठीक है, इसको मैं इस तरह से रन करूँगा तो मेरे पास डाटा लोड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डाटा सेट देखना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपल डाटा सेट लिखूँगा और मेरे पास वो डाटा सेट सारे का सारा आ जाएगा। ठीक है, अब हो ये सकता है कि इस डाटा सेट में ऑल्दो कम डाटा है, इसमें जस्ट 32 डाटा पॉइंट्स हैं। ठीक है, 32 एग्जांपल्स हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि इस हमारे डाटा सेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डाटा होता है और हम सिर्फ उसको देखना चाह रहे होते हैं कि डाटा किस शेप में है। ठीक है, डाटा के अंदर किस तरह की वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। तो सारा डाटा सेट बजाय हम यहाँ पे शो करें, हम उसकी टॉप फ्यू रोज़ देख लेते हैं। ठीक है, तो हम उसके लिए हेड का फंक्शन यूज़ करते हैं। हेड के फंक्शन से हमें उसकी टॉप की कुछ रोज़ जो हैं वो नज़र आ जाती हैं। यहाँ पे हम ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हम टॉप 10 रोज़ देखना चाह रहे हैं या टॉप 20 रोज़ देखना चाह रहे हैं। बाई डिफ़ॉल्ट वो टॉप 5 रोज़ जो है वो रिटर्न करता है हेड का फंक्शन। तो यहाँ पे हमें टॉप 5 रोज़ नज़र आ गई। यहाँ पे ये जो कार्स का डाटा सेट है, हमें ये नज़र आ रहा है कि जी ये जो डाटा सेट है ये कार्स के हवाले से है जी, कि ये मॉडल कार का कौन सा है, माइल्स पर गैलन, सिलेंडर उसमें कितने हैं, डिस्प्लेसमेंट और ये डिफरेंट इस तरह से डिफरेंट फीचर्स आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो हेड का फंक्शन हमें ये फैसिलिटेट करता है कि हम टॉप की कुछ रोज़ को देख लेते हैं। अच्छा, अगर हमने एंड की कुछ रोज़ को देखना हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम टेल का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं इंडेक्स से आपको पता लग रहा है कि ये टॉप की कुछ रोज़ आ रही हैं और यहाँ पे एंड वाली कुछ रोज़ आ रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से, और टेल के अंदर भी आप जैसे हेड के अंदर आप बता सकते हैं कि टॉप इतनी वाली रोज़ मुझे चाहिए, टेल के अंदर भी आप जो हैं वो आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जब भी हम किसी डाटा को लोड करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा हमारा जो इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट होता है वो हम उसकी इंफॉर्मेशन देखना चाह रहे होते हैं सबसे पहले, कि जो डाटा हमने लोड किया है उसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हम जो हमारा डाटा सेट है उस पर इन्फो का फंक्शन कॉल कर सकते हैं और उससे हमें कुछ डिटेल्स जो हैं वो मिल जाती हैं। वो डिटेल्स कुछ इस तरह की हैं कि जी ये जो है नल हैं या नहीं। ठीक है, इनके अकाउंट्स कितने हैं और इसमें किस टाइप का डाटा है। जैसे मॉडल जो है वो ऑब्जेक्ट है, नॉर्मली जिस भी कॉलम में स्ट्रिंग टाइप का डाटा हो उसको वो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करता है, जिसको वो खुद से किसी टाइप में जब लोड करता है डाटा फ्रेम के अंदर पांडास तो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, तो वो उसको एज अ ऑब्जेक्ट उसकी टाइप डिफाइन कर देता है। इसके अलावा बाकी जो टाइप्स हैं वो आपको समझ आ रहा होगा, फ्लोट है, इंटीजर है। ठीक है, तो इस तरह से ये डिफरेंट टाइप्स जो हैं आपको नज़र आ रही हैं। तो ये इन्फो का फंक्शन आपको इसमें डाटा की जो डिस्क्रिप्शन है वो दिखा देता है सारी की सारी। इसी तरह से एक और फंक्शन जो कि जब भी आप डाटा सेट को लोड करें तो वो आपको देखना चाहिए, उसको अप्लाई करके, उसको कॉल करके, दैट इज़ डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का जो फंक्शन है ये बेसिकली जो न्यूमेरिकल फीचर्स हैं हमारे उनकी वैल्यूज़ वह हमें बताता है कि उसमें काउंट कितना है, उसका मीन क्या है। जैसे माइल्स पर गैलन है
तो माइल्स पर गैलन का काउंट कितना है, उसका मीन कितना है इस फीचर का, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन मिनिमम 25th परसेंटाइल, 50th परसेंटाइल, 75th परसेंटाइल और मैक्सिमम, ठीक है। तो ये जितने भी न्यूमेरिकल फीचर्स हैं, कंटिन्यूस फीचर्स बेसिकली इनको कहते हैं, जितने भी कंटिन्यूस फीचर्स हैं उन सब की ये सारे वाले स्टेटिस्टिक्स हमें एकदम से दिखा देता है, तो हमें अलग-अलग से उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। इससे हमें आइडिया हो जाता है कि जी मैक्सिमम किसी किसी भी फीचर के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, क्योंकि अक्सर मशीन लर्निंग के मॉडल्स अप्लाई करते हुए हमें ये मसला पेश आता है कि हम ये चाह रहे होते हैं कि हमारा डाटा जो है ना वो एक स्केल के अंदर रहे, यानी कि लेट से 0 और 1 के दरमियान हम चाह रहे हैं, या ऐसा ना हो कि कुछ फीचर्स जो हैं वो मिलियंस में हों और कुछ फीचर्स जो हैं वो बहुत कम वैल्यूज़ हों उनकी, क्योंकि डिफरेंट मॉडल जो हैं वो इस वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं करते। तो इससे हमें क्विक एक स्नैपशॉट मिल जाता है और उससे हम जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि किन फीचर्स पे हमने प्री प्रोसेसिंग करनी है और किस तरह से हमने आगे लेके चलना है किसी प्रोजेक्ट को। अच्छा, नेक्स्ट जो है, अगर हम किसी डाटा सेट के अंदर किसी कॉलम को, सिर्फ एक कॉलम को देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जी हम मॉडल को देखना चाह रहे हैं, लेट्स से, ठीक है। तो ये मॉडल्स आ जाएंगे सारे के सारे। इसी तरह से अगर हम मॉडल को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों सूरतों में हम कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि ब्रैकेट्स के साथ हम दे सकते हैं और डॉट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर भी होता है कि जी किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए हम डॉट जो है उसको यूज़ करते हैं। तो लेकिन इसमें अगर आपके कॉलम के अंदर स्पेस आ रहा है तो आप इस सिंटैक्स को यूज़ नहीं कर सकते, फिर आपको इसी सिंटैक्स को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप दो कॉलम्स को जो है वो लोड करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे दूसरा कॉलम भी बता सकते हैं, लेट्स से माइल्स पर गैलन, तो ये आपको वो दो कॉलम जो है वो रिटर्न कर देगा, ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप रोज़ देखना चाह रहे हैं इसमें से, ठीक है, तो उसके लिए आप लोकेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, लोकेशन यूज़ करेंगे और लेट्स से मैं इसमें से 30 और 31 रो को देखना चाह रहा हूँ, तो वो मैं इस तरह से देख सकता हूँ, ठीक है। दो रोज़ मैंने जस्ट सेलेक्ट की हैं इसके अंदर से। अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जांपल ये देखना चाह रहा हूँ कि इस डाटा सेट के अंदर कितनी जो गाड़ियाँ हैं वो ऐसी हैं जिनमें 8 सिलेंडर हैं, कितनी हैं जिनमें 4 सिलेंडर्स हैं, इस तरह की अगर इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए किसी भी फ़ीचर के हवाले से, अभी मैं सिलेंडर की एग्जांपल दे रहा हूँ लेकिन वो सब फीचर्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डाटा सेट डॉट सिलेंडर डॉट वैल्यू काउंट्स, तो ये मुझे बता देगा कि इस डाटा सेट के अंदर 8 सिलेंडर वाली 14 गाड़ियाँ हैं, 4 सिलेंडर वाली 11 हैं और 6 सिलेंडर वाली 7 हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं किसी फीचर को सॉर्ट करवाना चाह रहा हूँ तो उसको मैं सॉर्ट वैल्यूज़ का फंक्शन उस पर कॉल कर सकता हूँ, तो मुझे पता लग जाएगा कि ये वेट जो है वो गाड़ियों का इसमें किस तरह से है, सबसे कम वेट कितना है, ठीक है, और ये डेफिनेटली स्केल्ड डाउन किया गया है इन वैल्यूज़ को, तो 1.5 से लेके 5.4 तक इसमें जो है वो वेट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमने डाटा लोडिंग को देख लिया, नेक्स्ट हम देखते हैं बूलियन इंडेक्सिंग को। बूलियन इंडेक्सिंग किस तरह से इसके अंदर होगी, आप अगर वो वाली गाड़ी देखना चाह रहे हैं जिनकी माइल्स पर गैलन जो है वो ग्रेटर दैन 20 है, तो वो आपको इस तरह से ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन हमारा डेफिनेटली इंटरेस्ट ट्रू फॉल्स में नहीं है, हमें वो डाटा चाहिए, वो रोज़ चाहिए जिसमें माइल्स पर गैलन जो है वो ग्रेटर दैन 20 है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये कंडीशन जो है ना एज आ इंडेक्स उसको पास कर दें, तो यहाँ पे मैं वो कंडीशन पेस्ट कर देता हूँ, तो अब ये देखें, ये मेरे पास वो गाड़ियाँ आ गई हैं
जिनके माइल्स पर गैलन जो हैं वो ग्रेटर देन 20 हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट यही काम जो है हम इस पे डिफरेंट जो कंडीशंस हैं वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, कंडीशंस लगाने के लिए हमें फॉर एग्जांपल हम लॉजिकल ऑपरेटर्स अगर यूज़ करना चाह रहे हैं, कंडीशंस से मुराद मेरी ये थी कि हम लॉजिकल ऑपरेटर्स अप्लाई करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल एंड का ऑपरेटर अप्लाई करना चाह रहे हैं और हम कहते हैं कि जो डाटा सेट डाट सिलेंडर्स हैं उसके वो 6 सिलेंडर गाड़ी हो और उसके माइल्स पर गैलन जो है वो ग्रेटर दैन 20 हो, तो उसके लिए हम जो है वो इस तरह से एंड कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये वो तीन गाड़ियाँ मिल गई डाटा सेट में से जिसकी माइल्स पर गैलन जो है वो ग्रेटर दैन 20 है और जिसके सिलेंडर जो हैं वो 6 हैं। ठीक है, ये 6 सारी की सारी 6 सिलेंडर गाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल गई। इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट काम जो अक्सर आपको ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ स्ट्रिंग प्रोसेसिंग। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे डेटा सेट के अंदर वो कौन सी गाड़ियाँ हैं जिसमें फिरारी आ रहा है, ठीक है, वर्ड फिरारी आ रहा है, ठीक है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वो डेफिनेटली मॉडल के अंदर होगा, तो मैं यहाँ पे वो कंडीशन लगा देता हूँ, डाटा सेट डॉट मॉडल डॉट एसटीआर डॉट कंटेंस। ठीक है, पहले हमें एसटीआर उस पर अप्लाई करना पड़ेगा, जो भी ऑब्जेक्ट है वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, उस पर मैं कंटेंस का फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ और उसमें मैं फरारी दे देता हूँ। ठीक है, अब आप ये देखें कि मेरे पास वो डाटा आ गया जिसमें मॉडल के अंदर जो फरारी है वो एज अ स्ट्रिंग आ रहा है। ठीक है, यानी कंटेंस का मतलब होता है कि उसमें कहीं पे भी अगर फरारी लिखा हुआ आ रहा है, यानी उसके कॉन्टेक्स्ट में लेफ्ट राइट साइड पे कुछ भी टेक्स्ट हो सकता है लेकिन उसमें फरारी का वर्ड आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से और काफ़ी फंक्शन होते हैं जिसमें, जैसे एग्रीगेशन के फंक्शन होते हैं, जैसे कि अगर मैं डाटा सेट जो है उसको ग्रुप करना चाह रहा हूँ, ग्रुप बाय सिलेंडर और देन मीन का फंक्शन अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो ये यहाँ पे क्या हुआ कि डिफरेंट जो सिलेंडर की गाड़ियाँ हैं उनके उनका जो एवरेज या मीन माइल्स पर गैलन है वो आ गया, उनकी एवरेज डिस्प्लेसमेंट आ गई, एचपी हॉर्स पावर आ गई और इस तरह से ये सारी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो ग्रुप वाइज एवरेज होके मेरे पास आ गई है। ठीक है, तो ये जो डाटा फ्रेम पांडास के अंदर डाटा फ्रेम है ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है और ये सारा आपको दिखाने का मकसद बेसिकली ये था कि आप थोड़ा सा आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाए, क्योंकि हम मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स टाइम एंड अगेन यूज़ करेंगे और उसमें बेस जो है डाटा लोडिंग की है वो सारी की सारी पांडास और डाटा फ्रेम की बेस पर ही होगी। ये हमने जस्ट सरफेस जो है वो स्क्रैच की है, बहुत बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इस पर पूरा पूरे कोर्सेज भी बन सकते हैं, पूरी पूरी बुक्स इस पर लिखी गई हैं, लेकिन हम जस्ट एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मैं आपको इसमें देना चाह रहा था। तो ये कुछ डाटा फ्रेम के हवाले से, पांडास के हवाले से मैंने आपको बता दिया इस वीडियो के अंदर।